नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। इस वक्त पूरे देश में एक ही जो खबर है वो दिख रही है और वही सुनाई दे रही है, वो है अनंतनाग एनकाउंटर, अनंतनाग आतंकी हमला। इस हमले ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। ये हमला इसलिए भी एक बहुत ही घातक और बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि इस हमले में सेना के कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए हैं, उनके साथ मेजर आशीष भी शहीद हुए हैं और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट भी इसी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। आपको बता दूं कि आज सुबह एक खबर और आई थी कि इसी हमले में घायल एक जवान और जो हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले राजौरी में एक और मुठभेड़ हुई थी मंगलवार को, उसमें भी एक जवान रवि कुमार जो है वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आपको बता दूं कि इस वक्त आप ये कह लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा हमला था आतंकवादियों का। इस हफ्ते जो आतंकवादियों ने हमला किया उसमें हमने अपने लगभग 5 जवानों को जो है वो खो दिया, वीरगति को प्राप्त हो गए वो जवान। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जो हुआ वो ये था कि लगातार जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ और एक के बाद एक हमारे जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आपको बता दूं कि कर्नल मनप्रीत सिंह जो हैं वो सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। मेजर आशीष जो हैं उन्हें अभी 2 हफ्ते पहले ही, कह लीजिए 1 महीने पहले ही 15 अगस्त को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तो ये सब वो अधिकारी थे जो सामने से सामना करते थे, अपनी टीम को लीड करते थे, आतंकवादियों का सामना करना हो चाहे किसी और, ये लोग सामने से लड़ते थे आतंकवादियों से आकर के। आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपके सामने जो डेटा लाया हूं वो ये है कि पिछले 2.5 दशकों में यानी कि पिछले 20 से 25 सालों के बीच में हमने ऐसे ही कई सारे अलग अलग आतंकी ऑपरेशंस में सेना के 5 बड़े अधिकारियों को खो दिया, जिसमें से कि 4 कमांडिंग ऑफिसर थे यानी कि कर्नल रैंक के अधिकारी थे। आपको बता दूं, आपको याद होगा 2 मई 2020 को हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें बहुत ही एक चांजी मोहल्ला में एक घर में, चांजी मोहल्ला जो जगह है वहां के एक घर में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 21 आरआर के कर्नल आशुतोष शर्मा जो हैं वो अपनी टीम को लेकर के वहां मौके पर पहुंचे थे। वहां पर एक बहुत ही भीषण मुठभेड़ हुई थी जिस वक्त जब पता चला था कि उस घर में कई सारे आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है लोगों को, उनको बचाने के लिए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद जो हैं वो टीम के साथ अंदर दाखिल हुए थे, जिसके बाद एक भीषण मुठभेड़ हुई और कर्नल आशुतोष शर्मा का संपर्क जो है वो उनकी टीम से टूट गया, जिसके बाद कर्नल आशुतोष शर्मा के फोन पर कॉल किया गया जिसे एक आतंकवादी ने उठाया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि कुछ तो अनहोनी हुई है। और कुछ देर बाद ये खबर आई कि 21 आरआर के कर्नल कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जितने भी बंधक उस घर में थे उन सबको उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाला। इसी आतंकी हमले में कर्नल आशुतोष शर्मा के समेत 5 जवान जो हैं हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे। आपको बता दूं कि 21 अगस्त साल 2000 में जानचलदारा IED ब्लास्ट हुआ था। एक 21 आरआर के ही ये भी कर्नल थे राजेंद्र चौहान, जो कि ब्रिगेडियर BS शेरगिल के साथ गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया था आईडी से, जिसमें मौके पर ही कर्नल राजेंद्र चौहान और ब्रिगेडियर BS शेरगिल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आपको बता दूं कि ये कर्नल चौहान जो हैं वो तीसरे CO थे 21 आरआर के। इसके बाद आपको बता दूं कि 27 जनवरी 2015 को त्राल में एक एनकाउंटर हुआ था। आपको बता दूं ये जो एनकाउंटर था वो बहुत ही भीषण एनकाउंटर था, इसमें हिजबुल के आतंकी शामिल थे। 42 आरआर जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF की 185 बटालियन जो थी इस एनकाउंटर में शामिल थी। संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कासो एक शब्द है जिससे कहते हैं कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन जो उसको बोलते हैं, कि एरिया को घेर करके आतंकवादियों की तलाश की जाती है और उनको खत्म किया जाता है। ऐसा ही एक ऑपरेशन था जिसमें कर्नल मुनिंदर नाथ राय
शहीद हुए थे। आपको बता दूं इसी आतंकी हमले में दो जवान जो थे वो घायल भी हुए थे, दो आतंकवादी भी इस मुठभेड़ में मारे गए थे। तो इस तरीके से पिछले 20 से 25 सालों के बीच में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए अपने चार कर्नल एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को खोया है। कर्नल मनप्रीत सिंह जो हैं वो इसमें सबसे ताज़ा नाम है शहीदों की लिस्ट में। जो कर्नल शहीद हुए हैं उनमें कर्नल मनप्रीत सिंह 21 जो 19 आरआर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे। आपको बता दूं कि ये बेहद ही पूरे देश के लिए दुखद खबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस हमले की जिम्मेदारी है वो रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो लश्कर ए तैयबा का एक शेडो संगठन है, आतंकी संगठन है जो लश्कर ए तैयबा के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाता है। कहीं ना कहीं इस पूरे हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा कह लीजिए, द रेजिडेंट फ्रंट कह लीजिए, ये आतंकवादी जिन्हें जहां से ऑर्डर्स मिलते हैं वो सरहद के पार, हम सबको पता है कि वो कौन कर रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का इसमें पूरे तरीके से हाथ है। अब देखना ये होगा कि इस आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल हैं उन्हें कब तक खत्म किया जाएगा और कब हमारे वीर सपूतों का बदला लिया जाएगा। आप देख रहे थे शिवालिक जर्नल। जय हिंद, जय भारत। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।